हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हम लोग का कूलॉम्स लॉ एंड उसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने क्लियर कर लिए। तो अब कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसी को आगे हम लोग कॉन्टिन्यूस करते हैं। तो लास्ट टाइम पे एक सिंपल सा हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया था कि अगर दो चार्ज हैं उनको मिलाने वाली लाइन पर तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें कि बैलेंस हो जाए। अब वहाँ पर हमने दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखा था। अब अगर आपके पास दो से ज़्यादा अगर फोर्स आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका हम लोग अभी देखते हैं, उसी के अनुसार उसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। हाँ, लास्ट टाइम पर मैंने बताया था कि जितने चार्ज होंगे उससे एक कम फोर्स की वैल्यू मिलेगी। अगर पांच चार्ज है तो चार फोर्स, चार है तो तीन फोर्स, तीन है तो दो फोर्स। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर एक से ज़्यादा फोर्स आ जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज कर रहे थे, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। ये आया था जब हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर। तो अगर हमारे पास दो से ज्यादा फोर्स है तो हम दो दो लेके रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे दो फोर्स का रिजल्ट निकाल लेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आया उसको उसका रिजल्टेंट और तीसरा फोर्स लेंगे, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ चौथा फोर्स लेंगे। इस तरीके से हम लोग दो से ज़्यादा फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर, स्क्वायर के हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखे हुए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्लियर। तो हमसे ये क्वेश्चन आएगा कि किसी एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो कॉर्नर कोई भी हो सकता है, चाहे वो डी हो सकता है, अदरवाइज ए सब हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर। अब इसके सोल्यूशन क्या आते हैं, सोल्यूशन निकालने से पहले आपको कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म पता है, 9 × 10⁻⁹ क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको हमने एक देसी नियम बताया था कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो अब हमें फोर्स इस पर फाइंड करना है। तो सपोज कर लिया कि डी पर जो चार्ज है इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले माइंड में ये लाएं कि इस डी पर कितने फोर्स लग रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर जितने चार्ज है उससे एक कम फोर्स, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, एक दो तीन चार, तो डी पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस की उस पर कितने फोर्स लगेंगे, तो आपका आंसर होगा 3 सर। कौन कौन लगाएगा, ए बी सी। तो जब ए वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो उसको हमने एफ ए से डिनोट कर दिया, 9 × 10⁹ क्यू वन क्यू क्यू टू क्यू अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। डायरेक्शन तो ये इसको रिपेल करेगा कि अटैक करेगा, तो आपका आंसर होगा सर सेम साइन के, इसलिए ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। रिपेल मीन्स डायरेक्शन होगी ए टू बी, यानी ये हो गया ए टू। सिमिलरली बी वाला भी इस पर एक फोर्स लगाया गया है, क्या है, 9 × 10⁹ क्यू वन क्यू क्यू टू की अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये लेंगे बेटा, क्योंकि आर जो है डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। तो आपको पता है दिस इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट टू, क्लियर। तो अब इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके यहाँ पे रखना, तो ए रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a² डायरेक्शन बोलिए, तो ये प्लस तो ये इसको क्या करेगा, रिपल की अट्रैक्ट, तो रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो डायरेक्शन होगी बी टू डी, ओके। अब कौन लगाएगा, तो सी वाला भी डी पर एक फोर्स लगाएगा, तो एफ सी कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ क्यू वन क्यू है क्यू टू क्यू है, डिस्टेंस इसके बीच की कितनी होगी, ए ए स्क्वायर। डायरेक्शन ये भी इसको रिपल करेगा सी टू डी, यानी ये हो गया एफ डी
एफबी ये हो गया एफसी। क्लियर। अब हमें इस बी पर तीन फोर्स लगे एफ ए एफ बी एफ सी, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इनकी डायरेक्शन पता चली। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना, तो हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है जब हम लोग इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। स्केलर फॉर्म को बड़ा इजी है, अब रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए? तो जब कभी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर। थीटा एफ1 और एफ2 के डायरेक्शन जो है उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा था कि दो दो लेके चले, तो आपको किसका रिजल्टेंट ईजी लग रहा है लेना? तो यहाँ पे एफ ए और एफ सी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इनके डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो एफ ए की डायरेक्शन ये एफ सी की है, तो आप बोलेंगे सर 90 कितना बनता है 90, तो थीटा कितना रख देंगे 90, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो क्या लिख देंगे द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी इज, मान लिया एफ वन, तो इस फार्मूले से एफ ए एफ वन के प्लेस में एफ ए, एफ टू के प्लेस में एफ सी प्लस टू एफ ए इंटू एफ सी इंटू कॉस थीटा कितना, तो इनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना बना 90, यहाँ पे कितना रख देंगे बेटा 90, कॉस 90 जीरो हो गया, एफ स्क्वायर ए प्लस एफ स्क्वायर ए प्लस जीरो, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो। यहाँ पे एक चीज हमने कन्वर्ट कर दिया, एफ सी के प्लेस पे क्या रख दिया, एफ ए क्यों रखा, तो आपका आंसर यहाँ पे कि जितना एफ ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही एफ सी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो एफ ए इक्वल एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल एफ ए लिख सकते हैं। क्लियर। तो वन प्लस वन में ये कितना होता है 2, ये आ गया 2 एफ स्क्वायर ए, तो इसका स्क्वायर रूट किया तो एफ ए बाहर इंटू रूट। हाँ, अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए एक फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ये भी आप याद रखें कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो उनकी डायरेक्शन यानी 90 डिग्री पे है, तो हर एक जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ ए और एफ सी के साथ कितना एंगल बना देगा 45 45, इट मीन्स जो एफ बी की डायरेक्शन होगी वही किसकी हो जाएगी एफ वन की। ये चीज़ क्लियर होगी कि F1 की डायरेक्शन क्या होगी जो FB की, क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसका अलग मेथड भी है, कुछ बुकों में क्या किया गया है कि FC और FA का कंपोनेंट डिसॉल्व कर लिया गया, क्या रिजॉल्व कर लिया गया कंपोनेंट। ठीक, जब कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी बेसिकली कंपोनेंट हम नहीं बता रहे, इजी मेथड बता रहे हैं। तो F1 और FB की डायरेक्शन सेम हो गई, अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट है, तो आपका आंसर है सर अकॉर्डिंग टू फिगर F1 एंड FB आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों किसमें सेम डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो द रिजल्टेंट ऑफ F1 and F2 is F, ये आ गया F1 plus F2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ प्लस क्यों कर दिया आपने, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, तो जब ये सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना लेंगे जीरो, cos जीरो की वैल्यू वन, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए F1 plus F2 हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो। हाँ, तो जिसने मेरा लास्ट वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले लास्ट वीडियो में मेरे को जब देखे उसमें मैंने वेक्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया इस फार्मूले को, देन आफ्टर इस न्यूमेरिकल पे आया, ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा है तो शुरू से आप वीडियो देखिए, तब आपको सारे टॉपिक इजी वे से क्लियर होते जाएंगे और अपना नोट्स भी आप बनाए, और जो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस आपके पास जो भी बुक है उस बुक में आप जाइए, न्यूमेरिकल आप लॉन्च ला खोलिए, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए होंगे, उसको सॉल्व करिए, जो डाउट है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके उससे डिस्कशन करिए, उसका आपको आंसर मिलेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो F1 का मैग्नीट्यूड आया F√2 + F2
प्लस एफ ई। तो एफ ई का मैग्नीट्यूड क्या था, 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट टू, प्लस एफ ई क्या था, 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² था ना भाई, ठीक है क्लियर। तो यहां से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है क्यू स्क्वायर मिल रहा है, 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में रूट टू प्लस 1/2, इसको एलसीएम ले लें तो अब क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम 2√2 प्लस 1/2 डायरेक्शन बी टू डी, दिस इज माय आंसर। यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर एक से दो से ज्यादा फोर्स है तो हम किस तरीके से रिजल्टेड फाइंड करें। तो बहुत से क्वेश्चन में आपको दो से ज्यादा फोर्स मिलेंगे और इसी पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि पहले इसको आप पॉज करके नोट करिए, देन आप फ्रेस आपको होमवर्क मिलते हैं। ओके बच्चों, नोट कर लिया इसको। अब इस पे कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखें कि इस डी पर जो ये नेट फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, यानी इस डी पर जो चार्ज रखता है इस पे कोई फोर्स ना लगे। तो इन सब को हटाएं, इस फिगर को अगर हम यहां पे डिनोट कर दें कि इस डी पर जो चार्ज लगा हुआ है इस पर ये एफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, यानी इस डी पर जो चार्ज है क्यू उसको इतना फोर्स खींच रहा है। अब अगर इस डी पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू इसको बैलेंस होना है, तो जितना फोर्स इन सब का जो मिला के रिजल्टेंट आया है जो इसको इधर खींच रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उतना ही फोर्स लगा दें तो बैलेंस हो जाए। वेरी वेरी सिंपल, सपोज करिए ये बोतल है, इस बोतल में मैंने एक रस्सी बांध दी, एक सिरा अपने पास एक सिरा आपके पास, हमने कहा 10 न्यूटन से हम इधर खींच रहे, 10 न्यूटन से आप इधर खींच रहे, तो ये कहाँ जाएगी, तो आपका आंसर होगा सर जहाँ है वहीं नहीं जाएगी, रीजन क्योंकि इस पर इक्वल फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी एक्शन ऑफ लाइन सेम, एक्शन ऑफ लाइन सेम है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, अगर यही चीज़ हम कहते 10 न्यूटन एक रस्सी इधर एक रस्सी नीचे, कहते 10 आ से आप खींचे 10 न्यूटन से हम खींचे, तो ये बोतल कैसे होगा, रोटेट होगा, वो टॉर्क बन जाता है, क्लियर। तो अगर किसी बॉडी पर टू इक्वल फोर्स लगे, डायरेक्शन अपोजिट हो, एक्शन ऑफ लाइन सेम, तब उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो अब इसको अगर बैलेंस होना है तो आप कहोगे सर, हाँ सॉरी, इसको बैलेंस होना है तो आप कहेंगे सर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतने ही फोर्स हम इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस फोर्स की जब ये डायरेक्शन लेनी होगी, इट मींस ये चार्ज किस साइन का होना चाहिए, इसको अपडेट करें तो साइन समझ में आ गया, नेगेटिव बाद में भी आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो एज्यूम कर लिए हमने चार्ज क्यू रखे, तो इस क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए रूट टू का हाफ, इट मीन्स ए बाई रूट टू, तो ये क्यू इस पर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, कितना आ जाएगा इसको एड्रेस ले ली, 9 × 10⁹ क्यू इंटू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये कितनी डिस्टेंस आई, डायगनल का आप किया a/√2 का स्क्वायर, तो a² / √2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर, क्लियर। अब आप कह रहे हो कि इस पर जो फोर्स लग रहा है इन सब का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो, या जीरो लिख दिया, तो 9 × 10⁹ q² / a² प्लस 2√2 प्लस 1/2 इक्वल, या प्लस कह लें या यहीं से इसको ले लें, एफ डैश इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस है, क्लियर, ये एफ इक्वल माइनस एफ डैश, तो माइनस कितना आ गया, 9 × 10⁹ q
कैपिटल क्यू इंटू टू अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 9 to 10 की पावर 9 से कैंसिल, ए क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो इसको यहाँ पे ले जाए कैपिटल क्यू कितना आ गया, ध्यान से देखिए ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 2 2 मिल के कितना हो जाएगा 4, ये माइनस साइन इधर लगा दिया, तो माइनस क्यू 2√2 + 1/4, दैट इज माई आंसर। ओके देख लें बेटा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो इट मीन्स कि इस चार्ज की वैल्यू जब इतनी होगी तब इस रिजल्टेंट के बराबर और इसके अपोजिट फोर्स लग पाएगा, तब ये चार्ज बैलेंस होगा। क्लियर? तो इस पर 2 न्यूमेरिकल बन सकते थे, आपको क्लियर कर दिया। अब बहुत से इस पर न्यूमेरिकल बन जाएंगे, सपोज करिए अब इस पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा, अगर ना समझ में आए तो उससे पूछिए। आपके पास एक ट्रायंगल ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, साइड सपोज कर लिया एक्स, और हर एक कॉर्नर पर क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ, तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट पॉइंट बी, इसकी वैल्यू फाइंड करके बता एस बी पर कितना फोर्स लगेगा। बात क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी या एट पॉइंट ए या एट पॉइंट सी, तो ये क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा, इसके सेंटर पर अगर हमने एक क्यू चार्ज रख दिया, तो सेंटर को पे जो चार्ज रखा है इस पर फोर्स की नेट वैल्यू क्या होगी, तो ये न्यूमेरिकल आप पहले इसको आप स्टडी करिए, समझिए, जब ये आपको क्लियर हो जाए टॉपिक देन आफ्टर इसको आप सॉल्व करिए। अगर ये अपने आप सॉल्व कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपने गुलाम सुला का 80% न्यूमेरिकल सॉल्व कर। Okay, noted.